हेलो और वेलकम टू स्टडी न्यूज़। द ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक 5 रिपोर्ट और GBO5 15 सितंबर 2020 को जारी हो गई है। ये आईची जैव विविधता लक्ष्य प्राप्त करने में देशों द्वारा की गई प्रगति पर एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। अब अगर बात करें GBO5 रिपोर्ट की, तो इसमें आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स में 20 टारगेट थे जिनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। GBO5 के हिसाब से 2050 विज़न फॉर बायोडायवर्सिटी के लिए 8 प्रकार के बदलावों की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक 5 रिपोर्ट के बारे में और इस रिपोर्ट के द्वारा दिए गए 8 सजेशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अब इन 8 सजेशंस में से फर्स्ट है ट्रांजिशन विद इन लैंड एंड फोरकास्ट्स। रिपोर्ट के अनुसार उन सभी वनों की पुनर्स्थापित करने के लिए कहा गया है जिनका दोहन किया गया था, और ये लोकल इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है। इसमें फर्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें कृषि के लिए किसानों को केमिकल की बजाय एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कराना है, ताकि इसके द्वारा ऑर्गेनिक खेती हो सके और कृषि पारिस्थितिकी अनुकूल कृषि हो। इसके बाद है सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। रिपोर्ट में लोगों को स्वास्थ्यवर्धक पौधों पर आधारित भोजन और कम मांस खाने का आग्रह किया गया है। इसने सप्लाई चेन और हाउस होल्ड के भीतर फूड वेस्टेज की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। फिर है क्लाइमेट एक्शन एंड वन हेल्थ। रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए नेचर बेस्ड समाधानों का उपयोग करने के लिए आह्वान किया है, और कहा गया है एग्रीकल्चर और अर्बन इकोसिस्टम के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को एकीकृत तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। और आगे रिपोर्ट में लिखा है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज़, ओशियंस एंड फ्रेश वाटर, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के विकास के लिए बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आईची टारगेट फॉर बायोडायवर्सिटी के बारे में। ये जापान के नगोया में COP10 के दौरान नगोया प्रोटोकॉल के साथ जैव विविधता को बचाने के लिए सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिए एक 10 साल की रूपरेखा को अपनाया गया था, जिसे ऑफिशियली स्ट्रेटजिक प्लान फॉर बायोडायवर्सिटी 2011-2020 कहा जाता है। इस आईची टारगेट फॉर बायोडायवर्सिटी में 20 एम्बिशियस टारगेट्स हैं। इन्हें ही कलेक्टिवली आईची टारगेट्स बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। इन टारगेट्स में स्ट्रेटजिक गोल ए में लिखा है एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस बाय मैन स्ट्रीमिंग बायोडायवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। इसका अर्थ है सरकार और समाज में जैव विविधता के मुख्य धारा में लाते हुए जैव विविधता के नुकसान के अंतर्निहित कारणों पर प्रकाश डालना है। इसमें स्ट्रेटजिक गोल बी में लिखा है रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडायवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़। इसका अर्थ है जैव विविधता पर सीधे दबाव को कम करना और स्थायी उपयोग को बढ़ाना है। अगला है स्ट्रेटजिक गोल सी। इसमें लिखा है टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडायवर्सिटी बाई सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम्स स्पाइसेस एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों और आनुवंशिकी विविधता की सुरक्षा करके जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना है। इसके बाद है स्ट्रेटजिक गोल डी। इसमें लिखा है इन्हेंस द बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसका अर्थ है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सभी को लाभ बढ़ाना है। और लास्ट है स्ट्रेटजिक गोल ई। इसमें लिखा है इन्हेंस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका अर्थ है सहभागी योजना, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण द्वारा क्रियान्वयन में सुधार लाना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये सभी गोल्स में से भी किसी भी टारगेट को प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो ये थी पूरी जानकारी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट 5 के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।